नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भले ही निर्माण कार्यों की बात करें या योजनाओं की बात करें तो कई दावे करती है और कई मंचों से खड़े होकर के कई जगह दावे करते हैं, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन यहाँ तो धरातल पर कुछ अलग ही नए अंदाज में देखने को मिलता है। कोई भवन निर्माण का कार्य हो या कई चीज़ें हों, जैसे ग्रामीण इलाकों में किसी व्यक्ति के यहाँ आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है या किसी व्यक्ति को शौचालय भी उपलब्ध नहीं हो पाए, कई ऐसे मामले सामने आए होंगे। वहीं मैं बात करता हूं ग्वालियर जिले की, जो कि भतरवा तहसील के अंतर्गत ग्राम बैंगना में अभी इस समय मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है। ये बिल्डिंग है आंगनवाड़ी केंद्र की, जो कि काफ़ी वर्ष पुरानी है, पूरी तरह से जर्जर पड़ी हुई है। मेरे पीछे आशा कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ इन लोगों ने आवेदन लगाए हैं, कहाँ कहाँ इस नए बिल्डिंग में नए भवन को बनवाने के विषय में कहाँ मांग की गई है। क्या नाम है? आ गया था बबीता जी, कहाँ पे आपने इसके विषय में आवेदन लगाया है, किसको अवगत कराया? सर आवेदन तो बहुत जगह लगाया है, क्योंकि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। यहाँ तो बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है, यहाँ बच्चों के लिए क्या व्यवस्था रहती है, कहाँ बैठते हैं? सर बच्चे कहीं बस्तर में नहीं भी बैठते हैं, बच्चे पूरे में पानी भर जाता है बिल्डिंग में, बरसात के टाइम में बच्चा नहीं खेल रहा। अच्छा, और ये जर्जर है, डर भी बना रहता है बच्चों के लिए, क्या कुछ हो गया है? सर क्या कहते हैं, कहीं जगह भी नहीं है पर बच्चों को यहीं पे बैठाती हूँ, ये जर्जर बिल्डिंग है एसी के नीचे। सर यहीं बैठाते हैं और क्या करें, नहीं बाहर बैठा लेते हैं, जगह भी नहीं है। इन्होंने बताया है कि बरसात के दिनों में भी ये बिल्डिंग पूरी तरह से यहाँ भी भर जाती है, पानी से भर जाती है और बच्चों को यहाँ पे भी बैठाते हैं, जबकि यहाँ ऊपर छत को देखा जाए तो पूरी तरह से जर्जर पड़ी हुई है। मेरे साथ और भी ये मौके पर मौजूद है, इनसे मैं पूछता हूँ, बताइए इनसे मैं पूछता हूँ कि बच्चों को यहीं पर ऐसी जैसे जैसे बच्चों को इसी के नीचे बैठाते हैं, छत के नीचे जो जर्जर है? हाँ, इसी के नीचे बैठाते हैं। इसके विषय में आपने कहीं पर आवेदन लगाया और किसी को सूचना दी? हमने कहीं मैं आपने अंदर तक लेके जा रहा हूँ और मैं अंदर भी दिखाऊंगा, मुझे जल जल है, मुझे आप याद है कि जल जल हुई जिसके अंदर भी बच्चों को बैठाने में काफ़ी डर बना रहता है हमेशा, बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है तो डर बना ही रहता है ना। ये देखिए आप साफ तस्वीरों में कि ये पूरा बिल्डिंग इसी तरह क्षतिग्रस्त है ना, इससे बच्चों को डर और भय बना रहता है। अब अंदर और भी दिखाऊंगा मैं, अंदर कितने अंदर भी पूरी तरह से छत भी है जर्जर पड़ी हुई है, छत भी पूरी तरह से जर्जर है। ये आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पट्टिया बिल्कुल पूरी तरह से जर्जर है, क्योंकि इस पर आश्रय का भी डर बना रहता है। इसी पट्टिया के नीचे बच्चों को बैठाते हैं और बच्चों को क्लासें भी संचालित की जाती हैं, है ना, तो बिल्कुल डर और भय बना हुआ है। इस ओर मध्य प्रदेश के सरकार के जो भी जितने भी आला अधिकारी हैं बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कई बार सहायिकाओं के द्वारा कई बार आवेदन भी लगा दिए गए हैं लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस तरह अगर कोई जनहानि हो जाए या कोई घटना घटित हो जाए तो इसका जिम्मेदार क्या सरकार होगी या ये लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो आवेदन भी लगा दिया है फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है।